उधर धनबाद गंगापुर के आदिवासियों ने एक मिसाल पेश की है। इन्होंने अपने मेहनत की बल पर मात्र 30 दिन में 2 किलोमीटर लंबी सड़क बना डाली। एक समय था जब यहां से शहर जाने के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब सड़क के माध्यम से मिनटों में शहर तक पहुंच सकते हैं। सड़क का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजकुमार ने। माउंटेन मैन दशरथ मांझी से प्रेरित होकर यहाँ के ग्रामीणों ने लॉकडाउन का सदुपयोग किया और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक सड़क बनाई पहाड़ों को काटकर, किसी मशीन का सहयोग नहीं लिया। प्रवासी मजदूरों और जो स्थानीय युवक हैं, इन लोगों ने अपने श्रम के माध्यम से श्रमदान करके यह सड़क बनाई और इसे इस काबिल बनाया कि इस पर आज 2 व्हीलर और 4 व्हीलर भी चल सकता है। इतना एक खूब से खूब दूबी था, इतना था जगह, पगडंडी था, पूरा डवन था इधर। तो जब से लोग इधर तैयार हुआ, इधर का भी तभी बना हुआ ये रोड। लॉकडाउन में काम किया आप लोगों ने? हाँ, लॉकडाउन हम लोग काम किए हैं। किस तरह से आप लोगों ने मेहनत किया बनाने में और अभी क्या स्थिति है इसकी? पहले जो हम लोग मेहनत किया, 22 मार्च को हम लोग काम शुरू किए थे, पहले लॉकडाउन का जो है मौका उसका उठाए थे, तो हम लोग कम से कम ये रोड बनाने में 200-150 आदमी हम लोग काम कर चुके थे। बूढ़े हो या जवान हो, बच्चे हो, सब लोग, और मेहरारू हो, मतलब सभी लोगों ने मिलकर काम किया। हाँ। बिल्कुल। तो 18 से 20 किलोमीटर का फासला तय करके इन्हें गिरिडीह जाने का मार्ग मिलता था और यही एक जो गड्ढा है, और इसके अलावा और भी कई गड्ढे हैं, क्योंकि बड़ी सड़क बनाई है लोगों ने, लंबा मेहनत किया है और लगभग 2 से 3 महीने की मेहनत के बाद 2 गांव के लोगों ने इसमें मेहनत की, तब जाके यह सड़क बनी। मामले पर हम अब सीधे जिला प्रशासन से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके तरफ से इस पर क्या कुछ किया जा सकता है। हाँ, इसकी जानकारी पूर्व में भी मुझको दी गई थी, तो मैंने तहकीकात कराया है। वन विभाग की जमीन है और वन विभाग की जमीन पर सड़क निर्माण नहीं करा सकते हैं उससे जब तक NOC प्राप्त नहीं होता है। इस आशय का आवेदन अगर हमारे पास आता है तो फिर हम उसको वन विभाग को अगर साजित करके, और उसको जब वन विभाग जमीन NOC दे देगा तभी उस पर हम लोग जो हाल DDC ने भी पूरे मामले में ग्रामीणों का सहयोग करने का आश्वासन दिया है और कहा है कि अगर आवेदन मिलता है, सामूहिक आवेदन, तो उसे जिला प्रशासन वन विभाग को सुपुर्द करेगी, उसे अग्रसारित करेगी और प्रयास करेगी कि ग्रामीणों को पक्की सड़क मुहैया हो जाए। राजकुमार जायसवाल, News 11 भारत, धनबाद। वाकई जज्बा हो तो पहाड़ के बीच से भी रास्ता बनाया जा सकता और शायद इन आदिवासियों ने यही किया है और इतनी लंबी सड़क मिलकर इन्होंने बना डाली जिससे कि इन्हें आवागमन में आसानी हो।